देवास जिले के अंतिम छोर खातेगांव अनुविभाग में खातेगांव की महिला पुलिस इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने मीडिया के सामने एसडीएम संतोष तिवारी पर अश्लील मैसेज भेजने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने मामले की शिकायत देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से की। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मामले की नाजुकता को देखते हुए तुरंत खातेगांव के एसडीएम संतोष तिवारी का तबादला देवास कर उनके स्थान पर डिप्टी कलेक्टर त्रिलोक सिंह गौर को खातेगांव का नया एसडीएम बनाया। फूड इंस्पेक्टर अग्रवाल ने बताया कि पिछले 5-6 दिन से सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एसडीएम तिवारी अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। साथ ही रात 11-12 बजे मेरे रूम पर आने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। रविवार को मैं और मेरा स्टाफ रविवार को ऑफिस में बैठे थे। एसडीएम आए और जहां से जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल कर बोला कि ऑफिस में आओ। मन के ऑफिस गए, उन्होंने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से टच किया जो कैमरे में रिकॉर्ड है। सोमवार रात 11 बजे मैसेज किया कि आपके रूम पर आ रहा हूं। काफी जल्द थी, पति को कॉल कर बातें बताई। इंदौर से रात 3 बजे मेरे पास आए। मंगलवार सुबह हमने एसडीएम से बात कर मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए सबूत उपलब्ध कराए। देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। खाद्य इंस्पेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने आप पे आरोप लगाए हैं अश्लील हरकत करने के कार्यालय पे और व्हाट्सएप मैसेज करने के, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरा कहना यह है कि अभी चूंकि पिछले 2 महीने से उपार्जन का कार्य और फ्री राशन वितरण का कार्य चल रहा है, तो उसमें कई जगह शिकायतें प्राप्त हुई थी। कलेक्टर साहब को भी शिकायत की गई थी, माननीय विधायक जी को शिकायत की गई थी, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी। तो उनकी जांच के लिए भेजा तो उसमें कुछ ऐसा पता लगा कि जांच में गड़बड़ी की गई और एक बागदा स्वसहायता समूह द्वारा खरीदी जो की जा रही थी उसमें 2-3 किसानों का करीब 150 क्विंटल गेहूं इधर उधर हुआ। वो लोग शिकायत कर रहे थे हमारा गेहूं दिया है हमने और इन्होंने बिल बना के नहीं दिया, तो इस संबंध में 1-2 बार डांट पड़ की गई, भाई काम आप कायदे से करिए। इस वजह से ये सब साजिश है मेरे खिलाफ, पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई इस तरह के आचरण के पहले भी रहे हैं, लोगों को अधिकारियों पर आरोप लगाना, ब्लैकमेल करना, और इसी वजह से ये टर्मिनेट भी हुए थे और उसके बाद हाईकोर्ट वगैरह से जीत के द्वारा सर्विस में आए, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो भी आरोप हैं पूरी तरह से गलत है। आप लोग तो 2 साल से जानते हो, और भी कई अधिकारी कर्मचारी महिला साथ में हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो अन्य कहीं से भी आती, ऐसा आप लोग देख रहे हो मेरा करीब 1.5-2 साल से कार्यकाल, ऐसा कभी किसी को सुनने को नहीं मिला होगा।